अगर स्क्रिप्टेड होता ना, मैं फिर स्क्रिप्ट चेंज कराने के लिए बोलती। अरे यार, आई थिंक हमारी गलती बस यहीं पे हो गई कि हम दोनों साथ में बिग बॉस में नहीं गए थे। अब प्रियंका और अंकित साथ में एक म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं, आप और आपके फ्रेंड अरे यार आई थिंक हमारी गलती बस यहीं पे हो गई कि हम दोनों साथ में बिग बॉस में नहीं गए थे। नहीं पर वेरी हैप्पी फॉर प्रियंका एंड अंकित, दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर। एंड मेरा और फमान का म्यूजिक वीडियो यार अभी तक कुछ पहुंचा नहीं है, मुझ तक तो नहीं पहुंचा है, तो अगर आएगा देन व्हाई नॉट। बहुत अलग हो गई है जर्नी, मतलब लोग पहचान लेते हैं अब हर जगह, कहीं पे भी जाओ। पहले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन जा रहा है, इमली के टाइम पे भी इतना किसी को फर्क नहीं पड़ता था, कुछ लोग पहचानते थे, पर अभी सब पहचान लेते हैं। मतलब अभी मैं अपने जो मेरा नया घर है वहाँ से मैं पुराने घर पे आ रही थी ड्राइव करते हुए, एंड सामने स्कूल बस जा रही थी, तो स्कूल बस में बच्चों की आदत होती है लास्ट सीट पे बैठ के बाहर झांकने की, तो पाँच छह लड़कियाँ थी जिन्होंने देख के मुझे पहचान लिया, एंड दे स्टार्टेड वेविंग। मम्मी को लगा मैं ड्राइव करूँ, मैं हाई कर रही हूँ, मैं ऐसे ड्राइव कर रही हूँ, मुझे रिटर्न भी लेना है, मैं इंडिकेटर भी दे रही हूँ, तो मतलब बहुत ही लोग हो गया, सब लोग पहचान लेते हैं, पर अच्छा लगता है। नए घर का जिक्र किया आपने, काफ़ी कम उम्र में आपने अपने दम पे ले लिया एक नया घर, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे इतना अच्छा काम मिला है कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ, कि मैं अपनी पसंद से घर ले पाई हूँ, एंड बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये जान के कि जो मेरा सपना था वो मैं पूरा कर रही हूँ, और मेरी बहन बहुत खुश है, वो मुझ में प्राउड फील कर रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो आपने कर लिया उसके पीछे भी स्मॉल स्टोरी है शायद। हाँ जी, तो मैं जब इमली शूट करती थी तब वहाँ पे सेट पे जाते वक्त ना, तो मैं साइड में एक बिल्डिंग आती थी बहुत बड़ी सी, बहुत खूबसूरत सी, तो मैं जरूर इसे देखते हुए जाती थी कि, और मैंने इसको भी कई बार बोला था कि सानिया यहाँ पे रहेंगे किसी दिन, यहाँ पे घर लेना है। एंड इनफैक्ट उसके साथ साथ एक और चीज़ है, जब हम बिग बॉस के घर के अंदर थे तब घर के अंदर से ना हमारा जो ऊपर का छपरा बना हुआ था वहाँ पे रेलिंग लगी थी जिसके ऊपर हम लोग लटकते रहते थे, वो हम लोग इसलिए लटकते थे क्योंकि सामने ना छोटा सा स्पेस था जहाँ से हमको एक बिल्डिंग दिखाई देती थी, तो जिससे हमें पता चलता था कि बाहर दुनिया है अभी भी, तो हम वो देखते रहते थे, झाँकते रहते थे। एंड उसके बाद जब मैंने घर लिया तब मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि वो वही बिल्डिंग है जो बिग बॉस के अंदर से मैं देखती थी, और उसके साथ साथ वो वही बिल्डिंग है जो मैं रोज़ जाते हुए ऐसे बोलती थी कि यहाँ पे रहेंगे। बिग बॉस का लास्ट एपिसोड भी सबने देखा, सबके घरों में सबकी टीवी में चल रहा था वो, बट उस लास्ट एपिसोड में भी सारे झगड़े हो रहे थे, अभी भी वो बरकरार है? नहीं, झगड़े हुए कहाँ, अभी आई डोंट थिंक सो किसी के पास इतना टाइम है। आप लोगों का मिलना जुलना, किसी से बात ना करना बिग बॉस की कंडीशन में? नहीं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, मैं वो गेम ख़त्म, चीज़ें ख़त्म, और उसके बाद फिर बाहर आने के बाद आई थिंक अभी एक्चुअली किसी के पास टाइम नहीं है, घर के अंदर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था, हमें अगर इससे बात नहीं भी करनी है तो भी हम कहीं जा नहीं सकते, तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं था, वो बात अलग थी, बाहर हमारे पास ऑप्शन है, मैं आप लोगों से भी बात कर सकती हूँ। आई थिंक मैंने उससे भी बहुत कम पार्टीज, मैंने बहुत कम पार्टीज अटेंड किए, तबीयत खराब थी। अच्छा, जो मुझे नहीं पता था कि घर के अंदर ऐसा हुआ, क्या था ऐसा, तुमने मुझे कुछ बताया ऐसा? नो, अरे मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था, मैं ये ना वो आप लोग को मालूम होगा वहाँ पे ऐसे सोफ़ा लगाए थे तीन स्टेयर पे, मैं सेकंड वाले पे थी, सेकंड स्टेयर पे, जैसे ही एमसी स्टैंड चल रहा है मैं कूद के सीधे नीचे खुशी के मारे हील्स में, यही वाली सैंडल पहनी थी मैंने, सोचो इतनी बड़ी हील में मैं आ गई कूद के, तो फिर सोच लो मेरी खुशी किस लेवल पे होगी। लोगों की होप्स थी प्रियंका पे, शिव पे, बट एमसी का जितना काफ़ी शॉकिंग था लोगों के लिए, आपको कुछ नहीं लगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोगों के ऊपर ही था, जो चाह रहे थे कि प्रियंका जीते, या फिर जो चाह रहे थे जो शिव जीते, पर वहाँ पे और भी लोग थे जो चाह रहे थे कि स्टैन जीते, एंड आई थिंक कि कहीं ना कहीं उनकी मात्रा ज़्यादा थी जिन्होंने वोट्स किए और स्टैन हमारे जीत गए। नहीं, इतना सा भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, अगर स्क्रिप्टेड होता ना मैं फिर स्क्रिप्ट चेंज कराने के लिए बोलती।
मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, चेंज करो, पर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। प्रियंका और अंकित साथ में एक म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं, आप और आपके फ्रेंड अरे यार आई थिंक हमारी गलती बस यहीं पे हो गई, हम दोनों साथ में बिग बॉस में नहीं गए थे। नहीं पर वेरी हैप्पी फॉर प्रियंका एंड अंकित, दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर। एंड मेरा और फमान का म्यूजिक वीडियो यार अभी तक कुछ पहुंचा नहीं है, मुझ तक तो नहीं पहुंचा है, तो अगर आएगा देन व्हाई नॉट। अर्चना अंदर है, अर्चना सरप्राइज कैसे दिखे? अच्छी बात है यार, मिलेंगे, मस्त मजा आएगा उसके साथ। एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि आप जो सिंबल तौहीद जी जो अंदर गए थे बिग बॉस में और आने के बाद में उनका एक नया वर्जन, व्हाट डू यू फील आने के बाद जो आपने खुद से सीखा रहेगा और वो सारी चीजें क्या आपने एनालाइज किया एच एन एम की, क्या अपग्रेडेशन है आपने जो अपने माइंड में जीरो दिमाग में आपने कुछ अपग्रेड किया? आई थिंक इवन शी नोज दिस थिंग दैट मैं थोड़ा सा और ज़्यादा काम हो गई हूँ बाहर आने के बाद। कितनी तो शांत हूँ मैं, हाँ मतलब कितनी पेशेंट ना, लाइक मतलब पहले से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा अभी तो बोल रही हूँ, हाँ हाथ ले गया है ना, मजाक कर अभी तो फिर से बोलती हूँ, फिर से बोलूँगी, फिर से बोलूँगी, अभी अग्री करना भी ज़्यादा, हाँ ओके ओके तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाहर आने के बाद से और ज़्यादा यू नो पेशेंट हो गई हूँ, बहुत पेशेंस लेवल बढ़ गया है मेरा। मैंने नहीं बोला है नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अब अच्छे से ले रही है, लाइक शी इज़ हैंडलिंग थिंग्स मोर अच्छे से। बस सॉरी तुम्हें थोड़ी सी ड्रामेटिक हो गई है, वो अलग बात है कि लाइक मतलब अगर मेरा और अपियों का पता नहीं है वहाँ पे मुझे कितने लोगों की संगत मिली और किस किस की मिली है। आई नो बट अभी मेरा और अपियों का कभी झगड़ा होता है तो वो हर बार में बिग बॉस लाती है कि बिग बॉस नहीं चल रहा है यहाँ पे, कि तुम ऐसे नहीं बोलो। नहीं 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 वो कुछ भी होता है ना तो फिर मैं ऐसे बोलती हूँ कि जब, क्योंकि जब यूजुअली मेरी पापा की और सानिया की बात होती है तब आफ्टर अ पॉइंट पापा एंड सानिया दे जस्ट स्टॉप लिसनिंग टू मी कि मैं क्या बोल रही हूँ, और फिर मैं खड़े होकर बोलती हूँ बिग बॉस में भी ये प्रॉब्लम थी वहाँ पे, तो मतलब हमारा ये सब चलता रहता है। सलमान सर के बारे में कुछ बता दीजिए। सलमान सर, सलमान सर मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, बहुत प्यारे हैं। वीकेंड के बाद पे अरे जान निकल जाती थी, पहले उतले जमीन खिसक जाती थी हमारी, और जैसे ही वो एक बार हमारा नाम ले लो हमें सोचता था नहीं नहीं कहाँ जाके छुप जाएंगे, पर हम भूल गए थे कि वहाँ पे कैमराज लगे हुए और हम हर जगह दिख रहे हैं। जिस तरह से आपके डैडी आए थे बिग बॉस के घर में और लास्ट एपिसोड में भी जिस तरह साजिद जी और एमसी उनकी मिमिक्री कर रहे थे उस पे काफी सारे मीम्स बने, आप उसे किस तरह से देखते हैं? आई थिंक स्टैन इज वेरी क्लोज टू मी, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, एंड बाहर आने के बाद मेरे पापा ने बोला दैट ही नेवर फेल्ट ऑफेंडेड बिकॉज ऑफ दैट, एंड इट वॉज नॉट समथिंग कि स्टैन ने खुद अपनी मर्जी से किया हो। आफ्टर अ पॉइंट अगर लोगों ने नोटिस किया होगा जो नॉर्मल एपिसोड में कभी कभी ऐसा बात करता था तो उसने बंद कर दिया था बाद में, बट देन ही वॉज टोल्ड टू डू दैट। इनफैक्ट लास्ट एपिसोड में पापा को बुलाया इसलिए गया था बिकॉज वो लोग पसंद कर रहे थे, अगर लोग उसको ट्रोल कर रहे थे या फिर मीम्स बना रहे थे पर उसके साथ साथ लोग उसको पसंद भी कर रहे थे उस चीज़ को। सो आई थिंक मेरे पापा ने भी बहुत इसको मतलब ऑफेंसिवली बिल्कुल भी नहीं लिया, एंड ही वॉज वेरी यू नो नॉर्मल अबाउट इट, एंड अभी भी अगर स्टैन से बात होती है तो स्टैन को जैसी कॉल लगाओ तो सबसे पहली चीज़ देखो बेटी ही बोलता है, और पापा अगर स्टैन से बात करें तो पापा देखो बेटी ही बोलते हैं। अपकमिंग मेरा अभी मतलब प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं मेरे पास, मैंने पहले ही बोला था मैं अभी तक यही बोल रही हूँ क्योंकि ही मैं अभी आई थिंक मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मैं वक्त ले रही हूँ कि मुझे जो सही लगेगा मेरे हिसाब से जो मेरे लिए अच्छी स्टोरी रहेगी या जो भी रहेगा तो उसमें आई थिंक वो चूज़ करने थोड़ा वक्त जाएगा। उनके तो मैं जितना बोलूँ कम पड़ जाता है, मतलब इतना ज़्यादा प्यार दिया है मुझे, इतना इसने भी मुझे कभी प्यार नहीं दिया है तो आई हैड टू जा रही तो मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था जब मैं सेव होती गई हर हफ्ते और जब माइग्लैम में मेरा पहली बार नाम आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार है लोग मुझसे प्यार करते हैं लोग, तो बड़ी खुशी होती है। मैं जॉब छोड़ देती थी आई थिंक बिग बॉस से फेम
मिल जाता है, सबको मिल जाता है, पर अरे इट्स ओके इट्स ओके सॉरी 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 वी ब्लॉक्ड इट मैम ये भी कर दी इसी में इसी में क्या करना होगा रोल रोल हाँ या चलो कट स्टार्ट स्टार्ट पापा सवाल पूछ रहे हैं क्या लगता है आपको कि बिग बॉस शॉर्टकट रास्ता है फेम पाने का या फेम मिलने शॉर्टकट रास्ता नहीं बोल सकते जस्ट लाइक कि आई थिंक कि आप कोई भी शो करो तो आपका फेम बढ़ता जाता है सेम बिग बॉस से फेम मिलता है सबको जैसे मुझे इमली से एक अमाउंट ऑफ फेम मिला होगा जितने लोगों ने मुझे चाहा होगा वहीं बिग बॉस क्योंकि एक रियलिटी शो है जितने लोग मुझे इमली देखकर प्यार करते थे उससे जब मैं रविवार में स्टार परिवार में आई तब उनकी और तादाद बढ़ गई क्योंकि सारे जो टीवी सीरियल्स थे चाहे स्टार के जितने भी हैं वो सब मुझे देखने लग गए थे तो वही चीज़ बिग बॉस में आके हुई क्योंकि स्टार की भी ऑडियंस थी वहाँ पे एंड देन बिग बॉस की एक अलग ऑडियंस है उन्होंने भी मुझे प्यार दिया तो वो मिल ही जाता है हाँ सही बोला हाँ सलमान खान है वहाँ पे लोगों को लगता है कि सलमान वहाँ पे होस्ट कर रहे हैं वहाँ जाएंगे सलमान से दोस्ती हो जाएगी सलमान इवेंट कर लेंगे सलमान से अच्छा सॉरी सॉरी मुझे ना पहले वाले आंसर की एक और लाइन याद है मुझे वो ही सॉरी अचानक मैं भूल गई थी तो मैं तुम्हें देखी तुमने बोला अच्छा बोला हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि तो वो चीज़ है कि फेम मिल जाता है लेकिन उसके साथ साथ फेम किस तरीके का मिलेगा ये आपके हाथ में है कि आपको पॉजिटिव पब्लिसिटी मिलेगी या फिर नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी अगर आपके लिए दोनों चलता है तो फिर आपके ऊपर है